हमारी शोहरत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। तो वो लोगों को गिरफ्तार पहले करते हैं और सबूत बाद में तलाश करते हैं। ये कहां का रवैया, ये कहां का इंसाफ? और ये जो विक्टिमाइजेशन एहतसाब के नाम पे हो रही है, ये हम पहली बार फेस नहीं कर रहे हैं। जनरल मुशर्रफ के दौर में भी यही कुछ हुआ था। 20-20 साल पुराने सवाल किए जा रहे हैं मुझ पर या सलमान साहब पर। अल्हम्दुलिल्लाह करप्शन का या एम्बेजलमेंट का कोई इल्जाम नहीं है। हमें एक हाउसिंग स्कीम का जबरन मालिक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा गुनाह यह है कि मैं वोकल हूँ, मैं बात करता हूँ। बात करना बंद कर दूँ क्या? हमने ऑनरेबल चेयरमैन नैब को सारी सूरत हाल से लिख के खत अदा किया है। आज ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट को भी हमने इस्तदा किया है कि हमें नाइंसाफी से और जबर से महफूज किया जाए। मौजूदा हुकूमत इंतकामी अमल में पूरी तरह शरीक है और मुल्क के वजीर आजम बजाय पाकिस्तान के मसाइल को हल करने वो अपोजिशन को टारगेट करने में मसरूफ है। एक नई जमात पैदा हो गई है, शोर मचा रही है चोर चोर का। उन्हें ये नहीं पता कल उनके साथ भी यही कुछ होगा जो पीपल्स पार्टी और हमारे साथ हुआ, वो पीटीआई के साथ भी होगा।